हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम जोन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम्स में आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के क्वेश्चंस 26 अप्रैल 2020 से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य विधेयक प्राधिकरण ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन सेवा शुरू करने का उद्देश्य यह है कि अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना जो इस संकट की घड़ी में दवा, किराने का सामान या अन्य जरूरी वस्तुएं लाने में असमर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में BRO ने कसोवाल एनक्लेव पंजाब को जोड़ने के लिए किस नदी पर पुल का निर्माण किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रवि नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए रवि नदी। ये देखिए 484 मीटर का परमानेंट ब्रिज तैयार किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। सीमा सड़क संगठन BRO ने गुरदासपुर में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थायी पुल का निर्माण कर गुरदासपुर के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव कसोवाल को हमेशा के लिए भारत से जोड़ दिया है। यह पुल अपने लक्ष्य से बहुत पहले ही पूरा हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शतरंज का बंटर पुलिट्ज कप 2020 किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एलर्जा फ्रोजा, ऑप्शन बी मैक्शन कार्लसन, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए एलर्जा फ्रोजा। ये है एलर्जा फ्रोजा। इन्होंने बंटर ब्लिट्ज कप 2020 फाइनल में विश्व शतरंज के जो चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 पर कब्जा कर लिया है और ये वर्ल्ड रैंकिंग में 21 रैंक पर पहुंच गई हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड गेम्स 2020 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका में भी एक बर्मिंगम नाम का जो शहर है, इसी प्रकार एक यूके इंग्लैंड में भी बर्मिंगम नाम का एक शहर है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिका के बर्मिंगम में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस की महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया है। वर्ल्ड गेम्स को पहले जुलाई 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये जुलाई 2022 में आयोजित किए जाएंगे, जुलाई 7 से 17 जुलाई तक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एजुकेशन फॉर जस्टिस पहल के जरिए UNODC ने भारत में कौन सी सीरीज की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है लॉकडाउन प्रोग्राम, ऑप्शन बी लॉकडाउन लर्नर्स, ऑप्शन सी लॉकडाउन स्टडी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी लॉकडाउन लर्नर्स। यूएनओडीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इन्होंने क्या किया, इनकी जो प्रमुख पहल है एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत इन्होंने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ का शुभारंभ किया है। लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ जो है जिससे भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद करने के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने भारत की पहली COVID-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं करंट में,
इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली लैब लॉन्च की है। भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्रित करने वाली मोबाइल लैब का नाम जो है वो है मोबाइल BSL-3VRDL लैब रखा गया है। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस केंद्रीय मंत्री ने माय बुक माय फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने एम कोविड-19 नामक ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम के सीएम जो है वो है जोराथांगा। मिजोरम के गवर्नर जो है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन में असम और मणिपुर भी दिया हुआ है, तो आपको असम के भी पता होना चाहिए। असम के सीएम कौन है? सर्वानंद सोनेवाला। असम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। मणिपुर के जो सीएम है वो कौन है? एन बैरन सिंह। मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो कौन है? नजमा हेपेतुल्ला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए आपका है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी चीन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के हेड जो हैं वो हैं टेड्रोस एडनॉम। जब WHO फाउंड हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्या। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टडी टाइम जोन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की जो अपडेट है वो लग